नमस्कार, एग्जाम हैप्पी वाइज झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेड परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक है, एक पाठ है सीडीपी, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहां पर आपको 30 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सीडीपी में आप 30 में यदि 20 से 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, ठीक है। विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवरअप कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या भाषा, कोई भी चीज़ हो, तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं। और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना, जेसीईआरटी का, वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स और विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए। नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लास, साथ में क्लास भी आपको हम दे रहे हैं, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से ले लीजिए, टॉपिक वाइज आपका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ रहेगा। और अभी तो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे, सिर्फ और सिर्फ देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है 500 रुपये में। तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो 500 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके यहाँ पर जेटेड में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी हूबहू नोट्स हमारे भिड़े हुए थे। आकलन में आपको बता दें हूबहू हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ा था। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइए। बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है, ठीक है। ये जेटेट 2013 में भी आया हुआ है, ठीक है। आपको बताते हैं यूपी टेट में अब तक 4 बार इस प्रश्न को रिपीटेड करा जा चुका है और बिहार टेट में भी 2 बार आए हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख करके आपके लिए लाए हुए हैं। देखिए बता देते हैं बुद्धि लब्धि का, अभी आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो करवा रहे हैं। उसके बाद बुद्धि लब्धि का स्कोर आपको देखिए इस वीडियो में नीचे बता दिया गया है, दे दिया गया है, वहाँ से बुद्धि लब्धि का स्कोर से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस प्रश्न को देखते हैं जो कि हर बार हल्का मचा के रख रहा है, हर बार एग्जाम में आ ही जा रहा है, इसलिए आपके भी एग्जाम में शायद नहीं आ जाए फिर से, आप देख लीजिए इसको। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली बच्चा है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है या समान बुद्धि है, ठीक है। तो याद रखिएगा 140 से अधिक है इसका मतलब वह बच्चा जो है आपका प्रतिभाशाली है, सबसे अधिक IQ है, ठीक है। तो 140 से अधिक है तो वह प्रतिभाशाली बच्चा है, आप देख के रहिएगा, ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि। देखिए 120 याद रखिएगा, 120 ये अभी तक 10-11 बार प्रश्न आया है, 140 ये अभी तक 111 बार प्रश्न आया है, ठीक है। आप गिन के देखिएगा सभी राज्यों का, तो हर जगह हर बार ये मिल ही रहा है, ठीक है। तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है, ठीक है। तो वह बच्चा जो है आपका प्रखर बुद्धि का होगा, किस बुद्धि का होगा? प्रखर बुद्धि का होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 120 है तो सामान्य बुद्धि का। बाकी नीचे तो हम आपको अभी आपको इसका स्कोर कार्ड देने जा रहे हैं कि किसका बुद्धि लब्धि कितना होगा तो वह किस प्रकार का बच्चा माना जाएगा, तो आप स्कोर कार्ड को जरूर देख लीजिएगा। देखिए अगला है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? 110 से अधिक है तो वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि या सामान्य बुद्धि, ठीक है। तो एक बच्चा जिसकी यहाँ पर जो है 110 से अधिक है वो आपको किस प्रकार का बच्चा होगा? तो वह तीव्र बुद्धि का बच्चा होगा, ठीक है।
अगला, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा है? ये भी प्रश्न आपको आए हुए हैं, 100 भी आया हुआ है, ठीक है। प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है तो वह सामान्य बुद्धि का बच्चा है, याद रखिएगा सामान्य बुद्धि का बच्चा है, 100 से स्टार्ट होता है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है वह किस प्रकार का बच्चा है, ये आपका पूछा गया प्रश्न है और आपका जेटेड 2016 का है वह प्रश्न है, ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि यहाँ 90 है वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, मंद बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली के लिए तो आपने देखा यहाँ पर 140 होना चाहिए, प्रखर बुद्धि के लिए आप देखें तो 110 से 120 के बीच होना चाहिए, मंद बुद्धि के लिए 90 होना चाहिए या 90 से 80 से 90 के बीच भी चलता है ये, और सामान्य बुद्धि के लिए 100 से ऊपर होता है, ठीक है। तो ये किस में चला जाएगा? मंद बुद्धि में चला जाएगा। चलिए हम लोग इसका स्कोर कार्ड भी देख लेंगे एक बार कि बच्चा क्या बुद्धि लब्धि कितना है, तो कितना, तो आइए बुद्धि लब्धि चार्ट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इस चार्ट को आप जरूर एकदम कॉपी में नोट्स बना लीजिए। देखिए आपको बता देते हैं, वीडियो देखने से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, आपको बता देते हैं। सिर्फ वीडियो ही नहीं देखिए, आप जो है उसको नोट्स भी बनाइए, लिखने से ज़्यादा याद होगा और हर तीसरे दिन रिपीट होना चाहिए। नहीं तो आप अगर ऐसे ही कल्पना कर रहे हैं कि मेरा बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो ये असंभव है, ठीक है। आप थोड़ा सा आपको समय देना ही पड़ेगा, यदि आप पढ़ रहे हैं जुड़े हुए हैं तो, अगर नहीं समय दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए हर किसी को अभी बहुत समय है आपके लिए, जो समय है उसमें जो आपको नोट्स जाते हैं उसको आप एक बार अवश्य लिखा कीजिए, अपने कॉपी में लिखने से ज़्यादा याद होता है, और उसको हर तीसरे दिन एक बार रिपीट जरूर किया कीजिए कॉपी से, ठीक है। थोड़े से समय दीजिए, रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको एक भी प्रश्न हम बाहर जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। सारा प्रश्न इसी नोट से और यहीं से छपवाएंगे, चाहे वो पेडागोगी का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो, सामान्य अध्ययन का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आए हैं ओनली फॉर विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का हल प्रश्न पत्र, ठीक है। हल प्रश्न पत्र जो पूछ रहे हैं उन्हीं को हम केवल कवरअप कर रहे हैं, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण टॉपिक जो केवल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और बाकी जो आपका JCERT जैक की किताब है उससे टोटल चीज़ को हम बनवा रहे हैं, जहां से बाहर प्रश्न जा ही नहीं सकता है, ठीक है। अभी हाल के एग्जाम में आप देख लीजिएगा, आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो है आपको JCERT से ही सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि आप बाहर का किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं किताब का तो आप अभी भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सरकारी स्कूल का किताब लेकर के आप वहाँ से तैयारी करेंगे ना तो आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ जुड़िए, आपको चैप्टर वाइज हम सारा चीज़ करवा दे रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स PDF और सारी क्लासेस को करवा रहे हैं। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा यहाँ पर, ठीक है। मोबाइल नंबर के लिए आप याद रख लीजिएगा 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय, ठीक है। चलिए देखते हैं बुद्धि लब्धि चार्ट। बुद्धि लब्धि है, देखिए कैटेगरी है, बुद्धि लब्धि 140 से अधिक, 140 से अधिक बच्चा होगा प्रतिभाशाली, 140 से अधिक बच्चा होगा प्रतिभाशाली, याद रखिएगा। प्रतिभाशाली बच्चे के जो लक्षण होते हैं वो 140 से अधिक उनकी बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है, याद रखिएगा। 121 से 140 प्रश्न कैसे पूछता है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक, 120 से अधिक तो कहाँ आ गया, 121 से 140, वो बच्चा कैसा है 120 से अधिक है तो प्रखर बुद्धि का है, कैसा है प्रखर बुद्धि का होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला है आपका, यहाँ पर 111 से 120 यानी 110 से अधिक और 120 से कम, ठीक है। 110 से अधिक है तो वह बच्चा तीव्र बुद्धि का है, 110 से अधिक है तो वह बच्चा तीव्र बुद्धि का है, और 90 से अधिक है, 90 से अधिक है तो 90 से अधिक है, 110 तक है तो वह बच्चा सामान्य बुद्धि का है, एकदम याद रख लीजिएगा, ठीक है, एकदम याद रख लीजिएगा। 20-20 का डिफरेंस चल रहा है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, कितना का डिफरेंस चल रहा है, 20-20 का डिफरेंस चल रहा है ना, या 19 का आप कह लीजिए डिफरेंस चल रहा है, इतना ही डिफरेंस पर आपको सारा चीज़ को याद कर लेना है। 90 से अधिक है तो सामान्य बुद्धि का है, और एक 90 तक है, 81 से 90 तक है तो वो किस बुद्धि का है, 81 से 90 तक है तो वो मंद बुद्धि का है, और 71 से 80 तक है
तो वो अल्प बुद्धि का है, ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा। अभी तक का रिकॉर्डेड प्रश्न जो पूछा गया है उसको देख लीजिए। पहला पूछा गया है बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, वह किस प्रकार का है, पहला। दूसरा 120 से अधिक है, वह किस प्रकार का। तीसरा 110 से अधिक है, वह किस प्रकार का है। और चौथा 90 से अधिक है, वह किस प्रकार का है। तो प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र और सामान्य, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चा हो गया, फिर प्रखर बच्चा हो गया, फिर तीव्र बुद्धि का बच्चा हो गया और फिर सामान्य बुद्धि का बच्चा हो गया, ठीक है। तो इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। और एक बार जो है आपका जड़ बुद्धि का भी आया हुआ है कि 80 से अधिक है तो कौन सा है, ठीक है, 80 से 90 से बीच है तो कौन सा है, तो वो मंद बुद्धि है, एकदम याद रखिएगा। और 80 से है, 80 तक है तो वो अल्प बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, मूर्ख है, यही मान के चलिएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न ही आप मान के चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये 5 टेबल आप याद कर लेते हैं ना, 5 टेबल देखिए, 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, ये पांचों को आप अगर एक दिन भी लिखिएगा और फिर अगर मॉर्निंग उठ के दूसरा दिन लिखिएगा और किसी दिन आपको अच्छा नंबर लाना है और तीसरा दिन भी लगातार लिख दिए तो CDP में 2 नंबर लेकर के आप घर को आ गए, ठीक है। आपका समझिए कि रैंक बहुत आगे बढ़ गया है। इसी 1-2 नंबर खातिर आपने कभी फेल किया होगा, लेकिन अगर फेल नहीं करना है, अगर रिजल्ट को निकालना है, अगर बहुत ही नंबर को लाना है, इसलिए आप इस स्कोर कार्ड को लगा लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए और हो सके तो बल्कि दिल में भी चिपका लीजिए, ठीक है। इसको चिपकाने से नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर इससे संबंधित आंकिक प्रश्न। याद रखिएगा एक प्रश्न तो यहाँ स्कोर कार्ड से आता है, याद रखिए एक प्रश्न जो है आपका बुद्धि लब्धि का टेबल चार्ट से आएगा। एक प्रश्न आपका किससे आएगा, बुद्धि लब्धि का टेबल चार्ट से एक प्रश्न एग्जाम में 100% याद रखिएगा आएगा ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न बुद्धि लब्धि का आएगा, दूसरा जो प्रश्न बुद्धि लब्धि का आएगा वो न्यूमेरिकल से होगा या उसका सूत्र से होगा, न्यूमेरिकल से होगा या उसका सूत्र से होगा, दिया हुआ रहेगा, एकदम कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है। तो कितने प्रश्न हुए, 1+1 यानी 2, बढ़ सकता है घटता तो है ही नहीं, ठीक है, बढ़ सकता है लेकिन घटता नहीं है, ठीक है, तो आपका प्रश्न यहाँ आएगा। चलिए आंकिक प्रश्न का हम लोग यहाँ पर स्वागत करके देखते हैं। कभी कभी देखिए आपको लग रहा होगा कि आंकिक प्रश्न बहुत भारी होगा, लेकिन इससे हल्का आपको बताते हैं कोई प्रश्न ही नहीं है। और एक बात आपको बताते हैं, अभी देखिए इसके पहले यहाँ पर जो हुआ था आकलन परीक्षा जो जैक ने लिया था, आकलन परीक्षा जो जैक ने लिया था याद रखिएगा, यहाँ से 2 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न। देखिए एक सूत्र आ गया था, यही सूत्र आया हुआ था, हमने जो नोट्स दिया था देखिए यही सूत्र आया हुआ था, ठीक है, वही नोट्स अभी भी है, यही सूत्र आया हुआ था, बुद्धि लब्धि का सूत्र आया था। और एक प्रश्न जो हमने नीचे बनवाया है वो भी एकदम सेम टू सेम भिड़ा हुआ था, ठीक है। तो आज आपका भी JTET एग्जाम में यही होने वाला है, इसे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है, बस जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए। सारा सब्जेक्ट को इसी तरह से हम लोग कवर अप कर रहे हैं, पूरे ट्रिक के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ, अब पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना, तो आप सभी अभी जुड़ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर बुद्धि लब्धि का सूत्र याद रखिएगा, एक सूत्र आपका हर बार आ रहा है, JTET 13 में भी आया था, JTET 16 में भी आया था, और UPTET, MPTET और CGTET की तो बात ही नहीं कीजिए, हर बार एक प्रश्न बुद्धि लब्धि का सूत्र से छप ही जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, बच्चे की मानसिक आयु बट्टा बच्चे का वास्तविक आयु, और इंटू में होता है देखिए 100, इंटू में क्या होता है 100, यानी मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। अब देखिए कभी कभी आपको यहाँ पर मानसिक आयु और वास्तविक आयु नहीं लिखता है, तो उसमें क्या लिखता है, तो MA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100, ठीक है। तो MA मतलब क्या हो गया, MA मतलब देखिए हो गया मेंटल एज, क्या हो गया मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, और CA मतलब क्या हो गया क्रोनिकल एज यानी वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो याद रखिएगा MA/CA इंटू 100 कह सकते हैं या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 कह सकते हैं, ठीक है। जब यह सूत्र आपके दिमाग में रहेगा ना तो आप समझिए कि यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा आप 100% बना करके ही आइएगा और एक नंबर यानी एक प्रश्न सही करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग IQ निकालने सीखते हैं कि बच्चे का IQ कितना है, वह किस प्रकार का बच्चा है, यही प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है और आपके भी एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर है 5 वर्ष के मोहन,
देखिए 5 वर्ष का मोहन का आयु कितना है, 5 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष के बच्चा है, 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, ठीक है। 5 वर्ष के मोहन के मानसिक आयु 8 वर्ष का, मानसिक आयु मतलब क्या दे दिया आपको बताइए, मानसिक आयु मतलब एम ए दे दिया ना, उसका मानसिक आयु कितना है 8 वर्ष, ठीक है। और 5 वर्ष यानी वास्तविक वो कै वर्ष का है, देखिए मोहन वास्तविक कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है, तो मेंटल एज हो गया, मानसिक आयु हो गया, अब बट्टे क्रोनिकल एज हो गया, ठीक है, क्रोनिकल एज हो गया जो वास्तविक आयु है, तो वास्तविक आयु कितना है, वो आपका 5 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, 5 वर्ष का बच्चा है। तो एम ए निकल गया, सी ए निकल गया, अब आपसे पूछ रहा है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, बताइए आई क्यू कितना है, बता दीजिए आई क्यू बराबर क्या होता है, अभी आपको बताए थे एम ए बाई सी ए इंटू हुआ 100। एम ए कितना है, मानसिक आयु कितना है, तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष की है, तो 8 वर्ष। अब बच्चा है कितना, वास्तव में जो बच्चा जितना वर्ष का है उसको वास्तविक आयु कहते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष के मोहन, 5 वर्ष का मोहन, मोहन 5 वर्ष का है वास्तव में, तो उसकी वास्तविक आयु 5 वर्ष है, ठीक है, इनटू कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब 5 से ये 100 कटेगा ना, 20 बार में कटेगा, अब 20 अट्ठे कितना हो जाएगा बताइए, 160 होगा ना, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, 160 है, कितनी है बच्चे की बुद्धि लब्धि, 160 है, 160 है मतलब ये किस में गया, 140 से अधिक वाला टेबल में गया, इसलिए ये अगर पूछा बच्चा कैसा है, अगर ये पूछ दे कि बच्चा कैसा है, तो ये 140 से अधिक वाला टेबल में है, तो वो प्रतिभाशाली बच्चा में चला जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे का शुरू बार आयु दिया है वो उसका वास्तविक आयु है, और जो मानसिक आयु बता रहा है वो ऑलरेडी मानसिक आयु है, तो बुद्धि लब्धि हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, आप भी निकाल लीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर बुद्धि लब्धि आपको निकालने आ गया तो, ठीक है। वीडियो को देखिए, यहाँ पर जो जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ही शेयर कीजिएगा अच्छे अच्छे लोगों को भी यहाँ पर आने का मौका मिलेगा, और कम पढ़ के देखिए, केवल हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर अप करेंगे जहाँ से प्रश्न आएगा, आपको किसी भी तरह का ज़्यादा बाजारू किताब मत पढ़िएगा, क्योंकि किताब में इतने सारे प्रश्न दिए हुए हैं जो आप यहाँ पर कंफ्यूज कर जाइएगा, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िए, जेसीईआरटी का टेस्ट बुक पढ़िए, और बाकी जो है यहाँ पर हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सब जेसीईआरटी टेस्ट बुक से ही आने वाला है, बाहर से नहीं आने वाला है, आपको आज भी मैं अवगत करा दे रहा हूँ। यदि आप बाहर से पढ़ रहे हैं, बाजारों किताब लेके पढ़ रहे हैं, तो आप अपने पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, आप अभी और आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, आपको पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर करवा दिया जाएगा, जिससे आपका यहाँ पर स्कोर 100% हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, जो नोट्स परचेज करते हैं, बच्चा का वास्तविक आयु जो शुरू बार दे रहा है वो वास्तविक आयु है, जो रियल एज है वो 5 वर्ष है, मानसिक आयु कहा हुआ था 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, देखिए नीचे। अब देखिएगा तो मानसिक आयु 8 है, वास्तविक आयु 5 है, 100 160, और यह बच्चा प्रतिभाशाली है, बनाना। चलिए आगे और प्रश्न को हम लोग यहाँ पर रिपीटेड करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो 10 वर्ष का बच्चा है, वास्तविक आयु कितना है, वास्तविक आयु बच्चा का 10 वर्ष है, लेकिन उसका मानसिक आयु कितना वर्ष के बच्चा के जैसा चल रहा है, उसका दिमाग कितना वर्ष के बच्चा के जैसा काम कर रहा है, 12 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो उसका आईक्यू कितना है, बताना है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। चलिए आईक्यू बराबर आपको याद है, आईक्यू बराबर याद है एम ए, मानसिक आयु कितना है, देखिए मानसिक आयु 12, एम ए बट्टे सी ए, क्रोनिकल एज, क्रोनिकल वास्तविक आयु है, बच्चा 10 वर्ष का वास्तव में है, 12 बट्टे 10, इंटू क्या करते हैं 100, 10 से ये 100 कितना बार में कटा, 10 बार में, 12 दहम कितना हो जाएगा 120, तो यही जो है आपका क्या हो गया, 120 जो हो गया आपकी बुद्धि लब्धि हो गई, और 120 कहेगा तो वह बच्चा किस प्रकार का है, तो वह बच्चा तीव्र बुद्धि का है, अगर 120 से अधिक रहता तो वह बच्चा प्रखर बुद्धि का होता, टेबल चार्ट को एकदम दिमाग में बांध दीजिए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्रैक करना है तो कुछ कुछ टॉपिक को दिमाग में रख लेना है, और बहुत ही आपको हम यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं उस टॉपिक का, जो आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये बुद्धि लब्धि आपने निकाल लिया होगा, आगे देखिए जो नोट्स लेते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको ये सारा चीज़ उनको घर बैठे व्हाट्सअप के जरिए मिलते रहता है,
और वो तैयारी करते रहते हैं, उनको बात करने का भी ऑफर यहाँ पर दिया जाता है। आप बात भी कर सकते हैं जहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। वास्तविक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 12 वर्ष, बुद्धि लब्धि क्या होगा पूछा गया है, सूत्र पर आ जाएंगे, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु है यहाँ पर 12 वर्ष, वास्तविक आयु है बच्चा का 10 वर्ष इंटू 100, 10 10 कटा 120, और यह बच्चा जो है तीव्र बुद्धि का है, ठीक है। चलिए, बच्चा लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, कौन सा विकार है, ठीक है। बच्चा जो है किसी चीज़ को लिख नहीं पा रहा है, कौन सा कठिनाई में जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको डिसलेक्सिया यहाँ पर ऑप्शन है, तो डिसलेक्सिया को तो आप समझ गए हैं, लेक्सिया मतलब लक्स साबुन से जुड़ा हुआ था, तो लक्स हो गया, तो लेक्सिया हो गया। तो लेक्सिया वाला में बच्चा क्या कर रहा था, तो लक्स था और उसको लुक्स पढ़ रहा था, यानी ये पठन संबंधित विकार था। तो लेक्सिया वाला किस में चला जाएगा, पठन संबंधित विकार, और यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, लिखने वाला, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर कैलकुलिया भी हमने आपको बता दिया, कैलकुलिया किससे, कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन किस में, गणित में, कैलकुलेशन किस में, गणित में। तो कैलकुलेशन वाला यानी कैलकुलिया वाला चीज़ जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा, गणितीय संबंधित विकार से जुड़ा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर गणित से संबंधित विकार में, गणितीय संबंधित समस्याओं को हल करने से। लेकिन अब बचा ग्राफिया और अफेजिया, दो चीज। तो देखिए, यहाँ पर लिखने में जो अक्षमता है ना, तो एक ग्राफ बनाइएगा, एक ग्राफ, और ये ग्राफ बनाने में बच्चा यहाँ पर अक्षम होता है, क्या होता है, ग्राफ नहीं बना पाता, इसी में विकार उत्पन्न करता है। तो लिखने वाली जो अक्षमता है वो ग्राफ बना करके नहीं कर पाता है, तो डिसग्राफिया में, ग्राफ को ग्राफिया में डालिएगा, और ये लिखने संबंधी अक्षमता से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अगला है, एक बच्चा मौखिक रूप से भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा होता है। आप एक बात देखिएगा, यहाँ पर जो होते हैं बहुत से लोग जो अच्छे अच्छे होते हैं वो मौखिक रूप से नहीं बोल पाते हैं, यानी अगर उनको खड़ा कर दिया नहीं बोल पाते हैं, यानी वो क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। तो फेल कर जाते हैं तो फ से फेजिया याद रखिएगा, मौखिक रूप से बोलने में आप फेल हैं, फेल माने फेजिया, ठीक है। तो वो अफेजिया से जुड़ा हुआ चीज़ है, मौखिक रूप से भाषा सीखने की अक्षमता जो है वो किससे जुड़ा हुआ होगा, आपका अफेजिया से जुड़ा होगा, ठीक है। 2 से 5 वर्ष की अवस्था कहलाती है, 2 से 5 वर्ष की अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाल विकास है, वृद्धि एवं विकास से पढ़िएगा, ये जो चैप्टर 1 था, तो वो विकास की 4 अवस्थाएँ हैं, ठीक है। विकास की 4 अवस्थाओं को हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया है, जिसमें आप देखेंगे वो अवस्था कौन कौन है। तो एक है आपका शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था, फिर है बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, और उसके बाद होता है पौढ़ावस्था, ठीक है। शैशवावस्था कब, 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था कब, 5 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था कब, 12 से 18 वर्ष, और पौढ़ावस्था 18 से ऊपर को माना जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसी की कड़ी में आपसे पूछा है 2 से 5 वर्ष, क्या पूछा है, 2 से 5 वर्ष। तो हम लोग शैशवावस्था कितना वर्ष को मानते थे, बताइए शैशवावस्था कितना वर्ष को मानते थे, तो ये था 0 से 5 वर्ष। तो क्या 2 से 5 इसी में आ रहा है कि किसी दूसरे में जा रहा है, नहीं नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या क्या है, आपको कन्फ्यूज किया है ना, कन्फ्यूज किया है। तो आप कहिएगा ना ना, 0 से 5 वाला खाली हुई करता है, 2 से 5 वाला कहाँ जाएगा भाई, ये भी तो 0 और 0 से 5 के अंदर ही है ना, इसलिए इसको आपको किस में डालना होगा, शैशवावस्था में ही रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न देखिए कहाँ पर आया हुआ था, हरियाणा टेट में आया हुआ था, ठीक है। कहाँ पर आया हुआ था, हरियाणा टेट में पूछा गया था, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, देखिए जो नोट्स जिनको भी यहाँ से जोड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारा चीज बना हुआ है। 0 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, क्योंकि उसी में 2 से 5 वर्ष भी आता है, 0 से 5 में ही शामिल हो गया 2 से 5, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं। अगला, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, कहाँ पर पूछ दिया, यूपी टेट, कहाँ पर पूछ दिया, सीजी टेट। देखिए दो दो जगह ये प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका, पैर का, सिर का, धड़ का, या सभी का, ठीक है। तो देखिए गर्भ में सबसे पहले जो निर्माण होता है यहाँ पर वो आपका होता है सिर का, ठीक है। किसका निर्माण होता है, सिर का निर्माण होता है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी के साथ धड़, और उसके बाद
पैर का निर्माण होता है। ठीक है, घर में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, याद रखिएगा सिर का निर्माण होता है, सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। उसके बाद किसका होता है, तो रीढ़ की हड्डी के निर्माण होता है और उसी के साथ धड़ लगा हुआ रहता है। और अंतिम में किसका निर्माण होता है, पैर का निर्माण होता है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग जरूर सभी को देख लीजिएगा। तो गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, सिर का निर्माण होता है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी का होता है, उसके साथ धड़ लगा हुआ रहता है और पैर का निर्माण होता है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, देखिए बालक जो होता है, बालक, ठीक है, बालक, बालक का सिर, बालक का सिर एवं मस्तिष्क का विकास, ठीक है, ये जो है आपका किस अवस्था, तो देखिए शैशवावस्था जो होता है वो 0 से 5 वर्ष होता है। ये 0 से 5 वर्ष में बच्चा जो होता है, सब आपको पता चल जाएगा कि यह बच्चा जो है किस प्रकार का निकलेगा, बच्चा के देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि ये शैशवावस्था में ही जो है बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ठीक है, विकास अवस्था में शुरू हो जाता है, क्लियर। तो बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में, तो ये 0 से 5 वर्ष में ही मस्तिष्क का विकास बच्चा का हो जाता है और सिर का भी विकास हो जाता है। तो 0 से 5 वर्ष की अवस्था में जो होता है बालक के मस्तिष्क एवं सिर का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है, प्रश्न पूछ दिया था कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा आपको उड़ीसा टेट में, ठीक है, आंध्रा टेट में, ठीक है, और उसके बाद असम टेट में, यहाँ 3 जगह पूछा है। ठीक है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है, याद रखिएगा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखना नहीं भूलिएगा, हर दिन शाम 7:30 बजे आप जुड़िए, वहाँ पर आपकी सारी क्लासेस चल रही है और सारे नोट्स यहाँ से ले सकते हैं और बाकी आपको बात करने की पूरी सुविधा हमारे टीम की तरफ से दी जाती है। जहाँ भी दिक्कत हो तो आप जुड़ करके यहाँ पर तैयारी ऑफलाइन ऑनलाइन सारी तरह से कर सकते हैं। तो अभी कभी आप मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है आपको बताना था, 206, 230, 270 या 320। ठीक है, तो देखिए जन्म के समय जो बच्चा होता है वो क्या होता है, तो वो बीजु अवस्था होता है। ठीक है, क्या होता है, तो उस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है आपकी हड्डियों की संख्या ज़्यादा रहती है। ठीक है, और जैसे जैसे आदमी वयस्क होते जाता है तो हड्डी सभी आपस में एक दूसरे जुड़ते जाते हैं और हड्डियों की संख्या क्या होती जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जब बच्चा यहाँ पर क्या होता है, शिशु होता है, जब शिशु होता है तो उस समय उसकी हड्डियों की जो संख्या मानी गई है वो 270 मानी गई है। ठीक है, कितना माना गया है, 270। लेकिन जब यही वयस्क हो जाता है तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 206 हड्डी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है, 270 हड्डी होती है, और जब वयस्क हो जाता है तो हड्डियाँ कुछ कुछ अपने में जुड़ करके एक हो जाती है, 2-3 हड्डियाँ जुड़ करके एक बन जाती है और हड्डियों की संख्या हो जाती है 206, जो कि ऑथेंटिक है, जो माना गया है। ठीक है, 206 हो जाता है अब वयस्क में और जन्म के समय होता है 270। बीजावस्था कहा जाता है, याद रखिए एक अवस्था जो है बीजावस्था, जिसको जिस समय बीज पड़ता है, जिस समय बीज पड़ता है, ठीक है, उस अवस्था को हम लोग भ्रूण अवस्था में बीजु अवस्था कहते हैं ना। तो ये बीजावस्था कब होता है, 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह, या जन्मजात होता है बीजावस्था। ठीक है, यूपी टेट में पूछ दिया गया था, बंगाल टेट में भी पूछा गया है, ये प्रश्न आपका बंगाल टेट में पूछा गया है और ये जो है आपका यहाँ पर आपको जो है दिल्ली आप कह लीजिए इसको असम टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, असम टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये बीजावस्था क्या होता है, ठीक है, देखिए जब बच्चा का विकास, जब भ्रूण में, जब गर्भाशय में बच्चा का विकास हो रहा होता है तो जो पहला बार जो जो होता है भ्रूण में जब बीज ठहरता है उस समय देखिए 0 सप्ताह से लेकर के आप कह लीजिए
दो सप्ताह तक, 0 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह तक जो होता है वो अवस्था जो होता है बीज पड़ा रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं देखिए बीजा अवस्था। क्या कहते हैं उसको? बीजा अवस्था कहते हैं। उस समय देखिए बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है। तो 0 से 2 सप्ताह वाली अवस्था को जो होता है भ्रूण में बीजा अवस्था कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो आपने यहाँ पर देख ही लिया किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और बाकी यहाँ पर पौढ़ावस्था को आप देख लिए हैं, तो एक बीजावस्था भी देख लीजिए। तो बीजावस्था होता है 0 से 2 सप्ताह का काल जो होता है, बीज निर्माण का काल होता है, और इसी को हम लोग बीजावस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? बताइए बालक जो होता है अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है, और उससे इतना समय का लगाव हो जाता है कि अगर बालक को आप उसकी माँ के गोद में से उठाइएगा तो बालक तड़पने लगता है, रोने लगता है, ठीक है। या दूर से ही बालक अगर माँ की आहट को सुनता है तो वह चिल्लाने लगता है, तो वो कैसे और कब होता है, कब प्रारंभ कर देता है आपको बताना है। 9 माह, 3 माह, 6 माह या 12 माह में बालक कब पहचानना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो बालक देखिए माँ को जो पहचानना प्रारंभ करता है वो लगभग यहाँ पर कहिए तो 1 साल होने लगता है, लेकिन वह जो है 6 माह के बाद कभी भी पहचानने लगता है, यानी उसमें देखिए उम्र हो सकता है आपका 9 माह, एक बीच में लीजिएगा आप समय, तो 9वां महीना से होता है या 8वां महीना से बच्चा जो है माँ को क्या करने लगता है, पहचानने लग जाता है, और उससे संवेग का लगाव तो उसका 3 महीना से ही हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण वह माँ के संवेग को पहचानता है और उसे कोई छीनता है तो क्या करता है, रोने लगता है, ठीक है। तो 9 माह से ही बच्चा क्या करने लगता है, माँ को पहचानने लगता है। एक नियम तो यही बात बताया जाता है कि 9 माह जो है वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ऐसे अगर देखेंगे हम तो 9 माह हो गया, लेकिन जो कहा जाता है उसमें आपको 3 माह भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो 3 माह से ही समय का लगाव होता है, अगर समय का लगाव होता है तो यहाँ पर हो सकता है कि बच्चा 3 माह से ही माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए 9 माह 3 माह में अंतर जो है, तो यहाँ पर आप 3 माह को लेकर चलिएगा, ठीक है। किसको लेकर चलिएगा, 3 माह, क्योंकि समय का लगाव हो गया मतलब वह उसको पहचान रहा है, तो 3 माह से ही क्या होता है, बच्चा माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑथेंटिक कौन सा होगा, 3 माह में ही बच्चा माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अगला देखिएगा, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु क्या होगा। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु उस समय क्या है, 2 से 3 माह, 4 से 5 माह, 6 से 7 माह, 8 से 9 माह, या क्या है उसका आयु, ठीक है। देखिए जब बच्चा यहाँ 2 से 3 माह की हम बात करते हैं तो 2 से 3 माह में बच्चा जो होता है पूरा अबोध होता है, उसको वस्तु का पहचान नहीं हो पाता है, ठीक है। 4 से 5 माह में भी बात कीजिएगा तो वो भी जो होता है उस समय दूसरे के सहारे होता है और वो पूरा तरह से नहीं खेल पाता है, इसलिए वो वस्तु को उठा नहीं पाता है, वो पहचान नहीं पाता है, ठीक है। अगर नीचे गिर गया तो वो उठा नहीं पाता है। 6 से 7 माह में बच्चा जरूर परिपक्व कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन उस समय भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वह जमीन पर गिरा हुआ चीज़ है तो वह वहाँ से उठ करके और जा करके उस वस्तु को क्या करें, उठा लें। लेकिन यहाँ पर एक और स्थिति जो आया हुआ है वो है आपका 8 से 9 माह। तो देखिए ये 1 साल के अंदर ऐसा हो जाता है कि अगर बच्चा कोई चीज वस्तु पर गिरा तो उसको पहचान करके उठाना शुरू कर देता है। तो देखिए वो 8 से 9 माह, इसमें जो ऑप्शन आया है उसके अनुसार होगा, 8 से 9 माह में बच्चा जो है अपना गिरा हुआ वस्तु को पहचान लेता है और उठाने लगता है, ठीक है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, प्रश्न आया हुआ था। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, प्रश्न पूछा गया है, और ये आपका जो है राजस्थान टेट में और हरियाणा टेट में और साथ ही साथ बिहार टेट, तीनों में ये प्रश्न पूछा गया, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम, ठीक है। तो देखिए बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है 350 ग्राम होता है, क्या होता है, 350 ग्राम होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार आपका 350 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर जैसे जैसे जब वयस्क होता है आदमी तो उसको यहाँ पर देखिए कितना हो जाता है भार, 1350 ग्राम हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ था, एक बार एक जगह 350 ग्राम होता है ये दिया रहता है,
नहीं तो पाउंड में देखिए 8 पाउंड होता है, पाउंड में कितना होता है 8 पाउंड होता है, तो पाउंड में भी कभी कभी देता है कि शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो कहीं ग्राम में ऑप्शन रहेगा तो 350 ग्राम, और कहीं पाउंड में ऑप्शन रहेगा तो 8 पाउंड इसको लिखिएगा, ठीक है। और वयस्क, जब आदमी वयस्क हो गया तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है 1350 ग्राम होता है, याद रखिएगा कितना, याद कितना होता है वयस्क में 1350 ग्राम आपका इसका भार होता है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर सीखने का आदर्श काल माना जाता है, यानी सीखने का, बच्चा के सीखने का सबसे अच्छा समय कब माना जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो देखिए बच्चा जो सीखने का आदर्श काल माना जाता है वो आपको यहाँ पर किसको माना जाता है, शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष होता है, और इस समय बच्चा क्या होता है, एक शांत प्रवृत्ति का, चहुमुखी विकास का होता है। इस समय वह जो जो चीज़ों को देख रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा अवलोकन कर रहा होता है, तो सीखने का सबसे अगर अच्छा कोई समय माना गया है तो वो आपको 0 से 5 वर्ष यानी शैशवावस्था को माना गया है। इस समय जो होता है बहुत सा चीज़ बच्चों को सिखाया जाता है, और इसी समय जो है आपका नामांकन भी बहुत लोग अभी करवा देते हैं, 3 साल में ही बच्चे का नामांकन करवा देते हैं, जिससे बच्चा अच्छा और ख़राब जैसा रहता है वैसा सीखना प्रारंभ कर देता है। तो सीखने का आदर्श काल जो है वो शैशवावस्था को माना जाता है। बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएँ हैं, 4 विशिष्ट अवस्थाएँ होती है। ये प्रश्न देखिए पूछा गया था HTET, UPTET और ये CGTET, तीनों में ये आया हुआ है समय बदल बदल करके, ठीक है। और ये आपका CTET में भी प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, यह पहचान किसके द्वारा की गई, ठीक है, कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई है। अब देखिए यहाँ पर हम आपके लिए जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ना उसका एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा कि जीन पियाजे का से संबंधित वीडियो बना दें, तो हम आपको यहाँ पर वीडियो अवश्य ही प्रदान करेंगे, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और वहाँ पर आपको यह वीडियो मिलेगा। तो जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, और ये 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जो है मूर्त, अमूर्त और सकारात्मक अवस्था, उसकी सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और वहाँ पर बता देंगे, ठीक है। अभी जो प्रश्न आए हुए हैं उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जीन पियाजे के द्वारा बालक के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, ठीक है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, मतलब कौन सा संबंधित जो है विचार इससे आता है। यह प्रश्न आपका UPTET में 2 बार पूछा गया है, और अगर आप कहिएगा बंगाल टेट में 1 बार पूछा गया है, उसी तरह हरियाणा टेट में देखिएगा तो 1 बार आए हुए हैं, ठीक है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह क्या होता है, विकास जो है हमेशा निरंतर चलते रहता है। विकास कैसे होता रहता है, निरंतर, चाहे तो आप ऊपर जाइएगा चाहे तो आप नीचे आइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है, आदमी कोई बढ़ते रहता है कोई घटते रहता है, ये क्या होता है, तो ये निरंतर चलते रहता है, ठीक है। क्या होता है, निरंतर। अब आप समझ गए होंगे निरंतर का मतलब कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जब विकास होगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे, निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसके सिद्धांत को हम लोग निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। और निरंतरता का सिद्धांत कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये B नंबर में दिया गया है आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए अभी जिनको वीडियो मिला है, हो सकता है कि आपको पहले से वीडियो नहीं सजेस्ट किया, अभी मिला है, आप देखिए आपको JTET में परचम लहराना है, आप यहां से हैंड रिटेन नोट्स जितने बने हुए हैं आप अभी जो है यहां पर मंगा लीजिए, और आप सारा नोट्स को यहां पर PDF को एक बार जो है व्हाट्सएप के माध्यम से सारा चीज़ देख लीजिए और जुड़ जाइए, आपको यहां से पूरे के पूरे फायदा मिलने वाला है और 100% प्रश्न जो है भिड़ने वाला है, क्योंकि सारे राज्यों का अनुकरण करके यहाँ पर यह चीज़ बनाया गया है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे GK हो, चाहे आपका इंग्लिश हो या आपका मैथ हो, सारा चीज़ को इंक्लूड यहाँ पर
किया गया है SST का भी। SST तो पूरा यहाँ पर जो है यहीं से आएंगे ही, यहीं के नोट से आएंगे, तो आप सभी अभी कभी देखने के बाद जुड़ जाइएगा। विज्ञान का भी 6 to 10 का बना हुआ है और सामाजिक विज्ञान का भी पूरा 6 to 10 का बना हुआ है। तो सभी कोई अभी देखने के बाद सारे सब्जेक्ट का नोट्स बहुत ही सस्ते कीमतों पर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, और साथ में आपकी क्लासेज भी ज्वाइन करवाई जा रही है, जहाँ आप अपना मार्गदर्शन या आप जुड़ करके घर बैठे एकदम सरल शब्दों में, सरल भाषा में आप तैयारी कर सकते हैं, और दिक्कत होने पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा 9631054226, अभी संपर्क करें और जुड़ें, ठीक है। देखिए अगला है यहाँ पे, खेल की आयु किससे कहते हैं, खेल की आयु किससे कहते हैं, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, या कोई नहीं, ठीक है। तो खेल का आयु बच्चा में किसको माना जाता है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। ये बिहार टेट का ये प्रश्न है जो एक बार आया हुआ है आपका, और यूपी टेट में एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो सारे टेट आए हुए प्रश्नों का संग्रह आपको इसमें मिल रहा है। आप सभी अभी के अभी क्लासेज यहाँ पर सारे ज्वाइन कर लेंगे, वो भी बहुत ही आपको सस्ते रेट पर सारी क्लासेज यहाँ पर दी जाती है, और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है पूरे PDF के साथ, और आपको बात करने की पूरी सुविधा रहती है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जा रही है, आप सभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो खेल की आयु किसको कहते हैं, तो खेल की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। इस अवस्था में बालक जो होता है अपने गिरोह में रहने लगता है, अपने सक्रिय समूह का सदस्य हो जाता है, और इसमें क्या करता है, वह खेलने लगता है, ठीक है। तो खेल की आयु जो है वो किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था में बच्चा जो है खेलने के प्रति खूब एकदम ललायत रहता है, और अपने समवयस्क बच्चों के समूह के साथ खूब खेलता है और खूब मजा करता है, ठीक है। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। देखिए समूह बनाने की प्रवृत्ति जो होता है वो शैशवावस्था में तो कभी भी नहीं होगा, और किशोरावस्था में भी नहीं होगा, बाल्यावस्था में भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रवृत्ति जो पाई जाती है, सबसे अधिक जो यहाँ पर समूह बनाया जाता है वो किशोरावस्था में बनाया जाता है, लेकिन प्रवृत्ति इसमें कब से आ जाती है, तो बाल्यावस्था से ही आ जाता है, ठीक है। तो समूह बनाने की प्रवृत्ति बच्चा में बाल्यावस्था से आने लगता है, वो अपना ग्रुप को एक अलग कर लेता है, दूसरे के ग्रुप को अलग कर लेता है, तो ये प्रवृत्ति उसी समय से आती है। लेकिन सबसे अधिक प्रवृत्ति कब में या प्रबल हो जाती है, या किशोरावस्था में होती है, लेकिन यहाँ पाई जाती बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो आपको बाल्यावस्था में ही लेना है, ठीक है। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर किस अवस्था में रहता है, बताना है आपको, ठीक है। ये आपका CG टेट में आया हुआ एक बार प्रश्न है, और UP टेट में आया हुआ एक बार प्रश्न है, ठीक है। तो किस अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। तो आप उम्र देख लीजिएगा, शैशवावस्था यानी यहाँ यानी इसको कह सकते हैं 0 से 5 वर्ष, ठीक है, 0 से 5 वर्ष कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, ये ज़्यादा करके इसका 2 से 3 साल तो वो अपनी माता पर ही निर्भर रहता है, हमने दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो दूसरों पर निर्भर किस अवस्था में रहने का गुण है बच्चा का, तो वो आपको चला जाएगा शैशवावस्था में ही, बच्चों दूसरों पर निर्भर करता है, ठीक है। वो जो लोग देते हैं वो खाता है, जो देते हैं वो पीता है, नहीं देने पर वो हल्ला करते रहता है, ठीक है, चिल्लाते रहता है, रोते रहता है, यानी वह दूसरों पर निर्भर होता है, तो ये उसी अवस्था का गुण है। अगला है, शैशवावस्था की अवधि होती है, शैशवावस्था की अवधि होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग कहते हैं जन्म से लेकर के 5 वर्ष, ठीक है, या 1 से लेकर के 5 वर्ष, या 0 से लेकर के 5 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी आएगा 1 से 5, 0 से 5, ये सारी अवधि जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वो उसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे शैशवावस्था, ठीक है। और 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था, और उससे ऊपर वाली अवस्था 18 से ऊपर उसको प्रौढ़ावस्था कहेंगे, ठीक है। यही अवस्था है बाल विकास की, 4 अवस्थाएं हैं ये। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि अवस्था से एक प्रश्न आएगा, और इसका वीडियो पहले आपको दे दिया गया है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, यही देखिए प्रश्न है जो आपको UTET उत्तराखंड टेट में, उड़ीसा OD टेट में भी आपको पूछा गया था, ठीक है, कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं, कितनी होती है, ठीक है।
तो देखिए दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो आपको 20 होती है। बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 रहती है। याद करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न छपेगा आपका, ठीक है। तो आप सभी को देखिए CDP में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहेगा, सिर्फ आपको जितनी भी क्लासेस दी जा रही है उतना ही CDP का क्लास का यहाँ पर PDF लेकर के पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको लगभग जो है 15 से 20 प्रश्न आपके छपे यहीं से मिलेंगे। बाकी देखिए CDP में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपकी बुद्धि पर ही निर्भर करती है, कितना भी इंस्टीट्यूट पढ़ा ले, कितनी भी आप कोचिंग कर ले, कहीं से नहीं बिड़ेगी, आपके विवेक की ही परीक्षा ली जाती है, ठीक है। सिर्फ थ्योरी सिद्धांत ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों पर निर्भर है, क्योंकि ये चीज़ हम जितने अच्छे से करवाएंगे आप उतना अच्छा समझेंगे और उसको पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन 10 से 15 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके लिए रहेगा और वो आप ही उस समय जज करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। से प्रैक्टिस करके जाइएगा, सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं, ठीक है। तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? शैक्षिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है जो शिक्षा के दृष्टि से, वो होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से प्रश्न आए हुए थे। ये प्रश्न जो है आपको बंगाल टेट का था और CGTET का छपा हुआ प्रश्न था कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्था है, शिक्षा की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं हैं। तो कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं इसमें माना गया है। बाल्यावस्था का समय होता है, समय याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी को यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है तो आप सभी समय को याद कर लीजिएगा। शैशवावस्था, शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, कहीं कहीं 1 से 6 वर्ष भी होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 1 से स्टार्ट रहेगा या 0 से स्टार्ट रहेगा तो, या 2 से भी स्टार्ट रहेगा तो 2 से 5 भी कहेगा, तो ये सभी जो है 5 तक या 6 तक का आपको शैशवावस्था रखना है। फिर 6 से 12, 6 से स्टार्ट कर दीजिएगा, 6 से 12, ठीक है, ये बाल्यावस्था शैशवावस्था था, यह बाल्यावस्था रहेगा। फिर 12 में 6 जोड़िए 18, 12 6 18, ये आपका किशोरावस्था रहेगा। और 18 से ऊपर जाइएगा यह पौढ़ावस्था रहेगा। एकदम दिमाग बना लीजिएगा, 6 6 का टारगेट चलता है, ठीक है, 6 6 12 6 18 और 18 से ऊपर पौढ़ावस्था होता है। एकदम 6 का पहाड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है, 6 का पहाड़ा याद रख लीजिएगा, याद है ना सभी को? चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा, सभी को याद है तो बस इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो रहा है 0 से 5 वर्ष, 0 से 5 वर्ष क्या है? बाल्यावस्था है, सॉरी बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष, ठीक है, 6 से 12 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को बता दिया 6 6 का अंतर होता है, 0 से 6 या 0 से 5 ले सकते हो, फिर 6 से 12 और 12 से 18, 6 6 का अंतर आ रहा है ना। अगला, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है, या कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चा को संस्कार डाला जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों का देखिए शैशवावस्था जो होता है, शैशवावस्था जो होता है वो संस्कारों की अवस्था होता है। बच्चा को इसी में बहुत ज़्यादा संस्कार दिया जाता है, ठीक है, संस्कार प्रयत्न भी इसमें होते हैं। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, बताना है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है जो सबसे अनोखा है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो जीवन का अनोखा काल जो कहा जाता है, जो हमेशा जिंदगी भर यादगार बना हुआ रहता है, वो देखिए आपका बाल्यावस्था है। इस समय बच्चा क्या रहता है, तो इस समय बच्चा सारी चीज़ों से अनभिग होता है और वह खूब किसी के साथ भी, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ खूब मजे कर रहा होता है, क्योंकि उसको किसी चीज़ की बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है। और यह अवस्था जो होता है एक अनोखा काल अपने आप में होता है, जिसमें सभी बच्चे एक साथ झुंड में रह करके खेलते हैं, कूदते हैं और किसी तरह का कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं होने के कारण खूब मजे करते हैं। तो ये वही अनोखा काल है जो आपको बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? दोनों प्रश्न, सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है और जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है? तो जीवन का अनोखा काल, सबसे रहस्यमयी काल जो है वो आपको किसको? बाल्यावस्था को कहा जाता है, जिसमें 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है और वह एक दूसरा अपने सहपाठियों के साथ खूब मजे कर रहा होता है। जिंदगी में फिर वैसा मजा कभी वह नहीं ले पाता है,
इसलिए यह अनोखा काल होता है जीवन का, ठीक है। लेकिन एक है सीखने का अनोखा काल, बच्चा कब सबसे अच्छा सीखता है, वो जो अनोखा काल उसके दिमाग में बना हुआ रहता है वो कौन सा काल है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए सीखने का जो अनोखा काल माना जाता है ना, वो आपको यहाँ पर शैशवावस्था को माना जाता है। सीखने की दृष्टि से उस समय बच्चा को जो भी चीज़ बताया जाता है वो सारी चीज़ें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा होता है, देख रहा होता है और सीख रहा होता है, क्योंकि उस समय वह क्या होता है, अपने दूसरों पर निर्भरता उसकी रहती है और वो जैसे जैसे सिखाते वैसे वैसे वो सीख रहा होता है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वह दूसरी की बातों को सुनता है। तो सीखने का जो अनोखा काल है वो शैशवावस्था को ही माना जाता है।